सर सर क्या ये सब सच है? तो हमारे साथ हमारे घर में नीर जब नासिक में था तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो बिना किसी जान पहचान के सिर्फ इंसानियत के नाते फालतू ने इसकी जान बचा कर हम पर जो एहसान किया वो चुकाया नहीं जा सकता, और इसीलिए हमने उसे अपने घर में बनाया। वो अकेली थी, काम की तलाश में थी। हमने उसके बाबा से कहकर उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, ताकि ये मासूम बेचारी किसी गलत हाथ में ना फंस। थैंक यू सो मच सर। सर आप जानते रहिए, आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था अपनी फादर। सर सर प्लीज मुझे मेरी फादर से मिलवा दीजिए, प्लीज सर। नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फालतू को वादा किया कि यहाँ उसका कोई जिक्र नहीं चलेगा। ये तो इस बेवकूफ ने सब कर दिया। अरे चली गई मतलब तूने उसे बताया नहीं मुझे उससे माफी मांगनी है। बस कंटिन्यू। अरे चली कैसे गई? तूने उसे बताया नहीं मुझे उससे माफी मांगनी है। बोला भाई सब बोले सर। एंड थोड़ा इन जो पागल थोड़ा कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई।